अमरवाड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन में 10 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान। कलेक्टर एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने दिनभर बनाए रखी नजर। भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह और कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर किया मतदान। 13 जुलाई को आएंगे चुनाव परिणाम। अमरवाड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन में नादिया गांव के ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और गांवों में मतदान केंद्र नहीं होने से किया बहिष्कार। और चौरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौलाझिर के स्कूल में शिक्षक द्वारा शराब पीकर आने का मामला आया सामने। संकुल प्राचार्य और जनशिक्षक ने जांच कर वरिष्ठ अधिकारियों को दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में आज हुई वोटिंग में सुबह से ही मतदाताओं ने घर से निकलकर बड़ी संख्या में मतदान किया। कलेक्टर एसपी एवं प्रशासनिक अमले की कार्यकुशलता एवं सूझबूझ से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। अमरवाड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन में मतदान के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शीलेंद्र सिंह, एसपी मनीष खत्री, जिला पंचायत सीईओ पार्थ जायसवाल ने स्वयं सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुबह 7 बजे से मतदान समाप्ति तक यहां 78.71% मतदान हुआ। देखा जाए तो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा से कमलेश प्रताप शाह, कांग्रेस से धीरन शाह और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देव रावण भलावी तीनों ही प्रत्याशी अपनी अपनी छवि को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। अमरवाड़ा की जनता ने जीत का सहरा किसके सर बांधा है, यह 13 जुलाई को होने वाली मतगणना से पता चलेगा। अमरवाड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन में भाजपा की ओर से चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह ने आज अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान उनके साथ समर्थक भी मौजूद रहे। इधर कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह, सुख रामदास दादाजी ने भी अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया।
अमरवाड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन में आज हुई वोटिंग के दौरान नादिया गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। 1000 के लगभग की आबादी वाले नादिया गांव में 500 से अधिक मतदाता हैं, जो पिछले एक सप्ताह से अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। वहीं उन्होंने मतदान के बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन नहीं है। वहीं गांव में मतदान केंद्र नहीं होने से उन्हें 3 किलोमीटर दूर मतदान करने जाना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आबादी कितनी है और वोटरों की जनसंख्या कितनी है? इस गांव में भैया वोटर की जनसंख्या 548 है और टोटल जनसंख्या 900 से 1000 के बीच में है। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की जिसे बहिष्कार किया? मांगे हैं ना भैया हमारी, क्योंकि हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो इस ग्राम नांदिया में आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए, और दूसरी मांगे ये है कि एक भवन होना चाहिए, और तीसरी मांगे ये है कि हमारे गांव में पोलिंग बूथ होना चाहिए। क्या नाम आपका? रहेश मसराम। सरपंच भी रहे, गांव की क्या समस्या है, वो जो गांव में बहिष्कार किया गया है उसका क्या कारण है? गांव में यही समस्या है कि यहां पे जब से ये गांव बसा है तब से इस गांव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, और मतदान केंद्र इतना दूर है कि अपाहिज या वृद्धजन आना जाना नहीं कर पाते। इससे पहले आपने कहीं मांग? हाँ, इसके विषय में मैंने कलेक्टर महोदय से भी आवेदन किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गांव का बहिष्कार ना करके आपने मतदान को करना था, जो समस्या है उसको प्रशासन तक पहुँचाना? ठीक है, मतदान तो हम ऐसे करते चले आए, कई ने आश्वासन दे दिए कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन आज तक लौट के नहीं आए। ये दिक्कत आज का क्यों आती? क्या नाम आपका? मेरा नाम है भोपाल वरकड़े। बहिष्कार किया है, क्या इसका पीछे? हमने चुनावों का बहिष्कार इसलिए किया है क्योंकि शासन द्वारा चलाई गई कोई भी लाभकारी योजना का हमें लाभ नहीं मिला। हमारे गाँव में विगत 70 सालों से कोई भी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है, हमारे गांव में मतदान केंद्र नहीं है, हमारे गांव में कोई भी सामुदायिक भवन नहीं है जहां हम बैठ के कोई चर्चा मीटिंग वगैरह कर सके, और हमारे यहां मतदान केंद्र नहीं होने से हमें इतनी असुविधा का मतलब देखना पड़ता है, हमें 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम तो चले जाते हैं, पर जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और जो विकलांग लोग हैं और गर्भवती महिलाएं हैं, उनको खास करके समस्या आती है, वहाँ पर वोट देने नहीं, मतदान करने नहीं जा पाते हैं। हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं। हमारे गांव में पहली आंगनवाड़ी हो, दूसरी मांग हमारी है कि हमारे गांव मतदान केंद्र बने, और तीसरी मांग ये है कि हमारे गांव में सामुदायिक भवन बने। कोई प्रशासनिक अधिकारी आया आपके बीच? हमारे यहाँ CO साहब आए, पर उन्होंने कुछ ऐसे अपनी तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया, और कोई बड़े अधिकारी भी नहीं आए हमारे यहाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकित ध्रुव है। जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी और अनियमितताओं के कई मामले उजागर हो चुके हैं, पर अन्य शिक्षकों पर इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। ताज़ा मामला चौरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नौला झील स्कूल का है, जहां एक शिक्षक शराब पीकर स्कूल में पहुंच रहे हैं। चौरी विधानसभा अंतर्गत चांद के संकुल प्राचार्य और जनशिक्षक को जब इस बात की शिकायत मिली तो वे जाँच करने हेतु नौला झील स्कूल पहुँचे, जहाँ उन्होंने पाया कि शिक्षक सोहन डहरिया समय पर स्कूल नहीं आते, और आते भी हैं तो शराब पीकर आते हैं। इस बात की जानकारी स्वयं बच्चों ने अधिकारियों को दी। शिक्षक सोहन डहरिया को जब इस जांच का पता चला तो वे आनन फानन में स्कूल पहुंचे, पर वे तब भी नशे में धुत थे, जिस पर जांच अधिकारी ने 100 डायल के माध्यम से शिक्षक की जाँच करवाई और शराब की पुष्टि होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। देखना होगा कि वरिष्ठ अधिकारी ऐसे शराबी शिक्षकों को रखकर छोटे छोटे बच्चों का भविष्य चौपट करेंगे या शिक्षक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमें सब पर होना चाहिए। यार बच्चे तुम्हारे भविष्य के लिए सब पर दूर। देख कुछ तेरे लिए। डॉक्टर कार्रवाई हो रही है शिक्षक। बच्चों ये सर रोज शराब पी के आते हैं? बच्चों बताइए, सर रोज शराब पी के आते हैं? रोज शराब पी के आते हैं? हाँ। अच्छा, आपके साथ में मारा पीटी भी करते हैं? हाँ। ठीक, और खाना टाइम से बनता है कि नहीं बनता है यहाँ पे? खाना बनता है? ठीक ठीक ठीक,
ये ऐसे पूरे महीने स्कूल नहीं आया ना, जब से आपका स्कूल खुला है स्कूल नहीं आते ना रोज, ये नहीं आते है ना? हाँ स्कूल रोज नहीं आते ना ये सर स्कूल नहीं रोज आते। इनका नाम क्या है, तुम्हारे सर का, सर का नाम क्या है, नाम जानते हो? क्या नाम है, क्या नाम है बेटा? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। नाम जानते हो आप आपके टीचर का, है ना? कभी पढ़ाते हैं ये? नहीं पढ़ाते? अच्छा ठीक है ना, बस रोज आके ऐसे ही करते हैं ना। प्राथमिक शाला नौला झील में हमको हमारे संकुल प्रचार ने जानकारी दी कि यहाँ पे शिक्षक अनियमित रूप से आता नहीं है, तो चलो इसकी जांच की जाए। संकुल प्रचार के साथ में हमारे द्वारा प्राथमिक शाला नौला झील गए, जहाँ पे शिक्षक श्री सोहन लहरिया शाला से अनुपस्थित पाए गए। आधा घंटे बाद वे शाला में आए और ऐसा लगा कि वो नशे की हालत में हैं, इसलिए उनकी जांच कराई गई और सारी जांच रिपोर्ट बना के वरिष्ठ कार्यालय भेज दी गई है। वरिष्ठ कार्यालय द्वारा की जाएगी, क्योंकि बार बार ये शिक्षकों को समझाइश दी जाती थी, किंतु शिक्षक द्वारा इस पर अमल नहीं किया गया और हमेशा नशे की हालत में रहते थे और बच्चों के साथ में अभद्र व्यवहार करते थे। तो आज जांच टीम को पहुँचाया गया, जिसमें वो शराब पीकर पाया गया था और 100 डायल के माध्यम से पुलिस को बुलाया गया, जिससे उसकी MLC कराई गई और MLC में जो भी जानकारी आई होगी तो उसके प्रतिवेदन बनाकर BO साहब को दिलवा दिया गया है और कल BO साहब से चर्चा होने के बाद पश्चात जानकारी प्राप्त हुई है कि वो कल एकल नस्ती बनाकर उच्च कार्यालय को पहुंचा दिया गया। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक, आप देखते रहें सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला अस्पताल कहने को तो जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां दिन रात मरीजों की आवाजाही बनी रहती है। वहीं जिला अस्पताल में लाखों रुपए का बजट सिर्फ साफ सफाई के नाम पर आता है, पर देखा जाए तो यहां साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यह तस्वीर कहीं और की नहीं बल्कि जिला अस्पताल की है, जहां पर लाखों रुपए का साफ सफाई का ठेका होता है, लेकिन साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं। जब हमने अस्पताल प्रबंधन से बात की तो उनका रटा रटाया जवाब था कि साफ सफाई तो हो रही है, लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वह तस्वीर में जवाब देने वाले अधिकारी के कार्यालय के ठीक पीछे का एरिया है, जहाँ गाजर घास और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं जिला अस्पताल की टॉयलेट और सीढ़ियों में चूहा जैसे मरे होने का वीडियो भी सामने आया। वहीं मरीज के परिजन से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि हम यहाँ पर खटमलों से भी बहुत परेशान हैं। इसके पहले मरीज और मरीज के परिजन चूहों से परेशान थे, तो अब खटमल और गंदगी से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि छिंदवाड़ा जिला अस्पताल की सफाई कर्मचारी और ठेकेदार ठेका लेने के बाद सफाई करना भूल जाते हैं। देखना होगा अस्पताल प्रबंधन द्वारा जिला अस्पताल की साफ सफाई के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। तुम्हारा? मेरा भीम जी। कहाँ से आए? खापोवाड़ी। क्या नजारे? परिवार तबीयत खराब है। तो आपने क्या देखा यहाँ? सर बहुत गंदगी है सर, इतनी गंदगी है कि जिसकी वजह से ज़्यादा तबीयत हो जाए।
क्या पूरा अंदर गंदा कैसा क्या है? बहुत गंदा पड़ा है, कचरा का पूरे कचरा का अंदर ही डालना। क्या साफ सफाई नहीं होती? साफ सफाई नहीं हो रही सर, देखिए। कब से भरती हैं आपके यहाँ के लोग? यहाँ एक हफ्ता हो गया सर। एक हफ्ता हो गया जी। कहाँ से आए? खापावाट से जी। क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत ये है, पलका में खटमल बहुत सारे हो गए हैं बस। कब से भरती हैं? दो दिन हो गए, तीन दिन हो रहा है। तीन दिन? कहाँ से आए हैं? हम छिंदवाड़ा ही रहते हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है, पलंग में क्या दिक्कत आ रही है? पलंग में पूरे खटमल, खटमल की फोटो खींच के ले जाइए आप। काय के वजह से होते हैं? अब हम नहीं बता सकते हैं काय के वजह से, बहुत चाव रहे, रात भर नहीं सो पा रहे हैं हम पलंग। अच्छा, क्या नाम बताया आपने? सुनील बैन। आज की डेट में जिला अस्पताल में कहाँ गड़बड़ है मुझे बता दें तो मैं उसको साफ सफाई करूँ। सर अभी हम लोग वार्ड पे घूम के आ रहे हैं सर, एक जगह चूहा हमारा पड़ा है, एक जगह वो सफाई चल रही है, वहाँ पे सफाई चल रही है, उसके बाद में उसकी सफाई कर दी जाएगी, उसको बता दिया जाएगा। सेकंड नंबर फ्लोर में सर जो लेड बात है सर, पूरी पन्नियाँ पड़ी है वहाँ पर, पूरा पानी भरा हुआ है। ये लोग बाग हमारे कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं और वो उसको लेड बात को उनको बता दिया गया है। अभी हमारे सहायक प्रबंधक हैं यहाँ पे आए हैं, वो देख के आए हैं और सफाई कर्मी को बता दिया गया है, वो उसको अभी आप अभी एक घंटे दो घंटे बाद आके देखना, वो सफाई आपको मिलेगी। सर मरीज और मरीज के परिजन खटमल को लेकर भी परेशान है सर, इसको लेकर ऐसी शिकायत हमको नहीं प्राप्त हुई है, मगर अभी पेस्ट हम कंट्रोल हम लोगों ने कराया है तो उससे निजात मिल जाएगी। इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि वे चहल पहल वाले इलाकों में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात चोरों ने दीनदयाल पार्क के सामने स्थित एक कपड़े की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए का माल व नकदी ले उड़े। बाजार क्षेत्र में हुई इस चोरी की घटना से आम लोगों की तो नहीं पर पुलिस की नींद जरूर उड़ी है। दुकान संचालक ने थाना कोतवाली में चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जी बताइए क्या हुआ? मेरी दुकान में मुझे सुबह जानकारी लगी, मेरे साइड वाले चाचा जी ने मुझे कॉल किया कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। मैं जब आके देखा मैंने तो मेरी दुकान का शटर टूटा हुआ था, फिर मैंने शटर पुलिस वाले 100 डाल पे मैंने कॉल किया, पुलिस वाले उनके सामने मैंने अपने शटर ओपन किया। मेरे दुकान का काफ़ी माल बिखरा हुआ था, 30-40 हज़ार का मेरा माल गया है, काउंटर में 5-10 हज़ार रुपये कैश थे मेरे, वो भी चोरी हुए। मैं थाने गया था FIR कराने, तो उनने कहा है कि मुझे आप नंबर दे दीजिए, हम कैमरे पे चेक कर रहे हैं, जैसे मिलता हम आपको संपर्क करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा शुभ नाम अर्पित शामकर, मेरी दुकान का नाम परम मेंसवेयर, पुरानी सब्जी मंडी दीनदयाल पार्क के पास है। मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। साथ ही उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किए जाने हेतु संगठन ने शासन प्रशासन से निवेदन किया। मामला बहुत गंभीर है, जो हमारे सालों के संघर्ष। कल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन छिंदवाड़ा इकाई के सभी दवा प्रतिनिधियों ने स्थानीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि पिछली NDA सरकार के दौरान सिर्फ अध्यादेश के माध्यम से विपक्ष की अनुपस्थिति ने इन्होंने जो 44 श्रम कानून हैं उसमें से 29 श्रम कानून, जो हमारे सालों के लंबे संघर्ष के बाद हमारे अधिकारों और रोजी रोटी की रक्षा के लिए बनाए गए थे, सरकार द्वारा ही बनाए गए थे, उनको एक झटके में रद्द कर दिया और उसके स्थान पर 4 श्रम संहिताएँ जो कि पूरी तरह कंपनी के मालिकों उद्योगपतियों के हित में बनाई गई है, जो कि सरकार की विभिन्न नीतियों से भी बार बार हमको देखने मिलता है, उन 4 काली श्रम संहिताओं का गठन किया गया। आज हमने इस ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि चारों काली श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए और हमारे लंबे संघर्षों के द्वारा सरकार द्वारा बनाए गए 29 जो श्रम कानून हैं उनको बहाल किया जाए। साथ ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए बने एकमात्र कानून सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट, जिसमें हमारी सेवा शर्तें परिभाषित हैं, उसको पूरी सख्ती से लागू किया जाए। धन्यवाद। नाम आपका? आशीष जैन, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी MP MSRU। वरिष्ठ नागरिक केंद्र में आज वरिष्ठ नागरिक की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों ने विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करते हुए आगामी रणनीति तैयार की। वहीं परिसर में वृक्षारोपण कर लोगों को पेड़ों का महत्व बताया गया। चलो
विचार करिए कि पेड़ रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन की पूर्ति होगी, पेड़ लगावे। और जो कुसरे जी का सुझाव है कि प्रत्येक आदमी को पेड़ दे दिया जाए और वो अपने यहाँ लगावे और लगा करके उसका पालने का कार्य करे, ये कैसा रहेगा? अगर आप मानते हैं कि ये ठीक है तो ताली बजा के इसको बताइए कहाँ जाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है ना, की गई है जिसमें कौन सा पेड़ लगाने से क्या फायदा होगा, कौन सा देवता, कौन सा ग्रह ठीक होता है, तो जाने दीजिए वो लंबी चौड़ी बात को। लेकिन ये तो पक्का है कि पेड़ लगाने से हमारे आसपास का वातावरण सुधरेगा, और वो सूर्य भगवान बहुत दूर हैं, मंगल दूर हैं, वो ग्रह नक्षत्र दूर हैं, लेकिन तत्काल में तो फायदा दिखता है कि अगर उन्होंने कोई क्विज ही कर दिया, वो भी एक खेल है, भौतिक खेल हो गया, यहाँ आए और बताएं कि आप लोग इसमें भाग लीजिए, जो लेना चाहे बच्चे सब लोग ताली बजाइए, तो ऐसा हो सकता है। ठीक इसी तरह हम ये वरिष्ठ नागरिक लोग बाहर कुर्सी रख के, यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, पेड़ लगाने से सूर्य बहुत प्रभावित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। एक पौधा माँ के नाम अभियान अंतर्गत आज संस्कार सेना की महिला टीम द्वारा वार्ड नंबर 45 परासिया रोड में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी व सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में मातृशक्तियाँ उपस्थित रहीं। आज यहाँ पर एक वृक्षारोपण, एक पौधा माँ के नाम का वृक्षारोपण कर रहे हैं। आज हम सभी यहाँ वृक्षारोपण पर जिला राष्ट्रीय महिला श्रीमती मीरा मालकर जी के तत्वाधान में हम लोगों ने यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। एक पौधा माँ के नाम वार्ड नंबर 45 वाल्मीकि वार्ड की तरफ से ये श्रीमती मीरा मालकर मैडम, बाली मैडम, मैं नेहा तिवारी, मनोज तिवारी, पाली पराडकर, जिज्ञासा डोंगरे, पूजा तिवारी और शशि दीक्षित, हम सब एक पौधा। इस्कान छिंदवाड़ा द्वारा आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। जगह जगह श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा का स्वागत कर पूजा अर्चना की, वहीं श्रद्धालु भक्त भक्ति गीतों की धुनों पर झूमते नाचते नजर आए। Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अमरवाड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन में 10 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान। कलेक्टर एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने दिन भर बनाए रखी नजर। भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह और कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर किया मतदान। 13 जुलाई को आएंगे चुनाव परिणाम। अमरवाड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन में नादिया गांव के ग्रामीणों ने किया मतदान का बहिष्कार। आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और गांव में मतदान केंद्र नहीं होने से किया बहिष्कार। और चौरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौलाझिर के स्कूल में शिक्षक द्वारा शराब पीकर आने का मामला आया सामने। संकुल प्राचार्य और जनशिक्षक ने जाँच कर वरिष्ठ अधिकारियों को दी जानकारी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।